हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्क्रब करने के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी स्किन पे किस टाइम स्क्रब करना चाहिए, ऑयली ड्राई एंड मीडियम स्किन पे कब कब स्क्रब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहती हैं, तो चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिनके भी स्किन पे डेड स्किन रहती है, स्किन ग्लो नहीं करती है, वो सारी टिप्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। हेयर एंड स्किन केयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहती हैं। तो चलिए जल्दी से ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हो एंड फेस वॉश से भी कर सकते हो। और जब जैसे आप स्क्रब करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर उसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्क्रब आपके फेस की जो गंदगी नहीं निकाल पाएगा, वो हेल्प करता है ज़्यादा टाइम से जमी हुई गंदगी को रिमूव करने के लिए, ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। ग्लिसरीन आपको अपने स्क्रब में यूज़ करना ही करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लींजिंग मिल्क से अपने फेस को क्लीन करूँगी। वन सेकेंड, तो मैं यहाँ पे फेस को साफ करने वाला स्पंज ढूंढ रही थी। सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क लेंगे। ओके, इतना लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करेंगे, 2-4 बूंद काफी है। ओके, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड फेस पे अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे या गुलाब जल। अच्छे से मसाज करेंगे, जो भी डर्ट वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए। फोरहेड पे आपको कुछ इस तरीके से फिंगर को चलाना है, कस्टमर पे भी यहाँ पे जरूर मसाज करना है। क्लींजिंग मिल्क को तो आप हथेलियों से कर सकते हो, बट स्क्रब को आपको हथेलियों से नहीं करना है। फेस का एक एक पार्ट आपको अच्छे से क्लीन करना है। कैमरा थोड़ा ऐसे रखते हैं ताकि क्लीन दिखे, पूरा कम लग रहा है तो थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क और अप्लाई करेंगे। ये है अरोमा का क्लींजिंग मिल्क है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वीक में 2 बार स्क्रब कीजिए, और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए वीक में 3 बार आपको स्क्रब करना है। ऑयली वाले 4 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है जिसकी वजह से डर्ट और गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, ऑयल पे जल्दी चिपकता है ड्राई स्किन वालों के हिसाब से मुकाबले। 5 मिनट तक आपको क्लींजिंग मिल्क को अपने स्किन पे इस तरीके से मसाज करना है। ओके, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद से आपको इसको रिमूव कर लेना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं मसाज कर रही हूँ, बस ऐसे ही करना है आपको, चिक्स पे ऐसे, बॉडी पे, अपर लिप्स पे एंड नोज पे। यहाँ पे आपको सर्कुलर मूवमेंट में एंड इस तरीके से स्ट्रेट आईज के नीचे, आईज के ऊपर सर्कुलर मूवमेंट में करना है। फोरहेड पे यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से करना है, इससे क्या होता है कि आईज रिलैक्स होती हैं और टेंशन रिमूव होता है यहाँ पे मसाज करने से। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद से बारी आती है स्क्रब की। अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है और फिर इसको
क्लीन कर लेंगे। मसाज या क्लीन अप करते टाइम आंखों में जरूर चले जाते हैं क्रीम वगैरह, तो आंखों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अब हम लोग स्क्रब करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा डर्ट मैल है आपकी स्किन पे, तो सबसे पहले आप क्लींजिंग ग्लिसरीन ले लीजिए और ग्लिसरीन को पूरा फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए जहाँ भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ओके, उसके बाद आपको स्क्रब लेना है। स्क्रब भी मैं यहाँ पे अरोमा का ले रही हूँ, ये देखिए अरोमा का स्क्रब है, फ्रूट स्क्रब है। इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। एवरी यूज का भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। स्क्रब को आपको आईज के ऊपर नहीं करना है। ओके, इससे पहले मैंने ये अरोमा का स्क्रब है एंड अरोमा का ही क्लींजिंग मिल्क है, तो इस तरीके से आपको क्लींजिंग मिल्क पहले अप्लाई करना है फिर स्क्रब अप्लाई करना है। फिर स्क्रब कैसे अप्लाई करना है वो बता रही हूँ, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। अब इस तरीके से मैंने पहले गुलाब जल लगाना है, फिर ग्लिसरीन लगाना है, फिर आपको स्क्रब को पूरे फेस से फैला देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना, जोर नहीं डालना है, नहीं तो कस्टमर को ग्लो देने के बजाय दाग दे दोगे चेहरे पे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपको 10 मिनट तक स्क्रब को मसाज करना है। सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम्स होती है नाक के आसपास, तो नाक के आसपास आपको इस तरीके से ज़्यादा स्क्रब करना है। आईज के नीचे करना है, गालों पे करना है, यहाँ पे करना है, आईब्रोज के जस्ट नीचे। ये आईब्रो मैंने रेजर से बनाया था, तो कैसे बनाया है उसकी पूरी वीडियो डिटेल में है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और पिंक आई मेकअप का भी वीडियो जा चुका है, तो वो भी जाके देख सकते हो। सब करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आज। और कैसे स्किन पे, किस टाइप से स्किन टाइप पे करना चाहिए वो सब कुछ। सर्कुलर मूवमेंट पे आपको हर जगह स्क्रब को रब करना है 10 मिनट तक। गर्दन को भी नहीं भूलना है। इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज करना है। तो कुछ मसाज वगैरह करते हैं तो मुंह ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है या फिर लाइनर लगाते टाइम, किस किस का होता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब इसको रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद आप फेस पैक यूज कर सकते हो। तो ये है फुल क्लीनअप, मैंने स्क्रब के साथ साथ आपको पूरा क्लीनअप स्टेप भी बता दिया है। फेस पैक कौन सा यूज करना है वो भी अभी दिखा रही हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आँखों को साफ करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मेरा फेस काफी फ्रेश फील हो रहा है। फेस पैक के लिए आप ये D10 फेस पैक यूज कर सकते हो। अगर आपको डेली धूप वगैरह में काम रहता है तो हफ्ते में 2 बार आप ये D10 फेस पैक यूज कर सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट है। ये मैंने मीशो से मंगाया था, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा पहले की वीडियोज में, आज भी दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो फुल क्लीनअप स्टेप मैंने आपको बता दिया। कभी भी कोई भी पैक यूज करते हैं तो इस तरीके से आपको
ऊपर की डायरेक्शन में लगाना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा मिंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको लगा के अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, बहुत ही कूल कूल सा फील होगा। इसको आप आईज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। वैसे फेस पैक आईज के ऊपर नहीं अप्लाई की जाती है, बट आप ये वाला यूज कर सकते हो आईज के ऊपर भी। तो इसको रखेंगे हम लोग 15 से 20 मिनट, और बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है मुझे। और 15 से 20 मिनट रखने के बाद से इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो बताती हूँ मैं आपको। ये वॉश करने के बाद एक भी पार्ट फेस का नहीं छूटना चाहिए, सब पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, D10 पैक जो मैंने लगाया था उसके लिए जो टाइमिंग होनी चाहिए 15 से 20 मिनट की, वो हो चुकी है। तो आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको इस तरीके से मसाज करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सूखेगा, सूखता नहीं कि ऑयल वैसा, इसलिए मैंने इसको बोला था कि आप आइज के ऊपर भी लगा सकते हो। जब तक मेरा पैक सूख रहा था तब तक मैंने अपनी सूख की सफाई कर ली है, क्योंकि मैंने पार्लर नया ओपन किया है यहाँ पे दिल्ली में। तो अच्छे से मसाज करने के बाद से आपको अगेन पानी लेना है और धीरे धीरे रिमूव करना है। पूरा पानी अच्छे से निकाल देना है। और काफी अच्छा ग्लो कर रहा है फेस, आप देख सकते हो। उसके बाद जब भी आप टॉवल से पोंछते हो स्किन को, तो आपको रगड़ना नहीं है, बस इस तरीके से टैप टैप कर देना। काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा है ये, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, और फेस पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया है। तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार, ऑयली स्किन वाले एंड ड्राई स्किन वाले 2 बार, नॉर्मल स्किन वाले 3 बार या 2 बार कर सकते हैं। ओके, तो कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आज का, आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लीनअप है, आप क्लीनअप की जगह पे ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पिंपल्स वगैरह हैं, तो आप मशीनें आती हैं पिंपल्स को रिमूव करने वाली, वो मशीन है मेरे पास, बट अभी दिख नहीं रही, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। और इसके बाद आप चाहो तो कोई मॉइस्चराइजर लगा लो, लगा सकते हो, बट मैं एडवाइस दूंगी कि आप 3-4 घंटे तक कुछ भी स्किन स्किन पे अप्लाई ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।